नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी के अगले विषय, सीड डॉर्मेंसी, स्टोरेज एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। कोशिश करेंगे कि तीनों विषय को संक्षिप्त में लेकिन उसके हर पहलू पर आपसे चर्चा करें, ताकि आप जिस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सारे विषय, सारे कंटेंट आसानी से इसमें दिखे। अगर सीड को उनकी जर्मिनेशन की कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक कैटेगरी है सीड की क्यूसेंट सीड। क्यूसेंट सीड मतलब ऐसे सीड जिसमें कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल बैरियर ना हो, मतलब रेडी टू जर्मिनेट है, उसको आप अगर प्रॉपर कंडीशन देंगे तो सीड जर्मिनेट होगा। तो ऐसे कैटेगरी को सीड को कहते हैं क्यूसेंट सीड। एक शब्द यूज होता है विविपेरी सीड या विविपेरस सीड। तो विविपेरी एक कंडीशन है जिसमें सीड जब अपने फ्रूट्स में के भीतर होता है और फ्रूट्स अपने मदर प्लांट से अटैच होता है, तो प्लांट से अटैच कंडीशन में भी सीड जर्मिनेट हो जाता है। जब सीड मैच्योर हो जाता है और फ्रूट के भीतर ही होता है, तब क्या होता है, तभी वो जर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं विविपेरी, और ऐसे सीड को कहते हैं विविपेरस सीड, और ऐसी इम्ब्रियो को कहते हैं विविपेरस इम्ब्रियो, विविपेरस इम्ब्रियो। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका टिपिकल एग्जाम्पल है जैकफ्रूट। कभी पका हुआ कटहल का फल अगर आप खोलेंगे ना, तो उसके देखेंगे कई सारे सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। इवन सिट्रस, मैच्योर सिट्रस आप फ्रूट में देखोगे तो कई सीड पार्शली जर्मिनेट हो जाते हैं। मैनग्रोव, मैनग्रोव में भी इस तरह के सिचुएशन देखने को मिलता है। तो ये जो कंडीशन है इसको क्या कहते हैं, विविपेरस। लेकिन इन दोनों के अपोजिट एक कंडीशन होती है जो काफी ज्यादा, अगर एज ए सीड टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए साइंटिस्ट आपको जानना चाहिए, एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट जानना चाहिए, दैट इज द डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी इन दोनों का अपोजिट है, इन दोनों के विपरीत डॉर्मेंसी है। मतलब ये तो रेडी टू जर्मिनेट है, ये इतना रेडी है कि अपने फल में जर्मिनेट हो जाता है, इसके साथ ये इतनी ये जर्मिनेट होने को तैयार नहीं है। यानी कह सकते हैं फेलियर ऑफ बाइबल सीड टू जर्मिनेट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन कंजेनियल कंडीशन। जमने के लिए जो भी कंजेनियल कंडीशन चाहिए वो सब कुछ है, फिर भी सीड एक सर्टेन टाइम तक जमे नहीं और बाइबल सीड हो, तो उसको क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी। तो क्या डॉर्मेंसी प्रकृति ने जो दिया, इसके कुछ लाभ भी है क्या? बिल्कुल लाभ है। आप इसे कह सकते हैं ना, उस सीड की एक प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज लाइफ होती है, बिना कुछ आप एक्स्ट्रा एफर्ट किए वो लंबे समय तक क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। बिल्कुल हाँ, ये क्वेश्चन आपकी बड़ी अच्छी है कि अगर वो ऐसे सीड में गुण पाया जाए जो आपके लिए अनवांटेड है तो ज्यादा समस्या। यानी कह सकते हैं ना कि ये जो ऐसे सीड, खासतौर पर वीड सीड, तो वीड सीड में अगर ऐसे कंडीशन मिल जाए तो हमारे लिए बड़ी समस्या की बात है, इजी टू कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारे अपने क्रॉप में जब ये होता है तो एक तरह से कह सकते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है एडवर्स कंडीशन से, उनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ाता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि आप जब आप उस क्रॉप को, उस सीड को बोने जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम एंड रिसोर्स इन्वेस्ट करना पड़ता है, काहे लिए, उसके डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। तो एक इस तरह का डिसएडवांटेज, आपने कहा वीड सीड में, वीड सीड में एक कंडीशन पाई जाए तो उस वीड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कई बार वो कई कई पीढ़ी, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार खेत देखते हो फिर भी जम जाता है, और ऐसे सीड में कई बार प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना आसान नहीं रह जाता है, क्योंकि जितना सीड आप डालते हो उसमें कुछ डॉर्मेंट निकल जाते हैं। तो इससे कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन ये है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो डॉर्मेंसी को अगर क्लासिफाई करना हो तो बात करते हैं सिर्फ डॉर्मेंसी की।
तो डायमेंसी को दो तरह की डायमेंसी है, इनेट डायमेंसी या इसको कहते हैं प्राइमरी डायमेंसी। दूसरा हो गया सेकेंडरी डायमेंसी। अब प्राइमरी या इनेट डायमेंसी क्या है? जब कोई भी डायमेंसी ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ सीड या फ्रूट या बिफोर द मैच्योरिटी या आफ्टर द मैच्योरिटी ऐसी कोई बैरियर इंड्यूस हो जाए सीड के भीतर तो उसको कहते हैं प्राइमरी डायमेंसी। यानी कह सकते हैं ना डायमेंसी में भी इंड्यूस बिफोर ड्यूरिंग या आफ्टर द मैच्योरिटी बट प्रायर टू डिस्पर्सल फ्रॉम प्लांट, मतलब अपने फल या सीड को अपने पेड़ से टूटने से पहले कोई पेड़ स्वतः पौधा स्वतः ऐसी बैरियर जनरेट कर दे तो उसको कहते हैं प्राइमरी या इनेट डायमेंसी। दूसरा होगा सेकेंडरी डायमेंसी। तो सेकेंडरी डायमेंसी क्या होगा? वो इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो इन्वायरमेंटल कुछ इन्वायरमेंट ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दे जिसके कारण पौधा या सीड पुनः डायमेंसी में चला जाए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सीड जर्मिनेट करने के लिए मॉइस्चर बहुत जरूरी है। अब ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन मॉइस्चर का लेवल बहुत कम हो गया तो ऐसी कंडीशन में प्लांट पुनः डायमेंसी में चला जाता है और ऐसे डायमेंसी को कहते हैं सेकेंडरी डायमेंसी। तो प्राइमरी डायमेंसी जो है, अभी हम बात करते हैं प्राइमरी डायमेंसी की, तो क्लियर हुआ कि प्राइमरी डायमेंसी प्लांट स्वयं अपने फैक्टर से जनरेट करता है और ये दो तरीके से होते हैं। एक हो गया मैकेनिकल या एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा हो गया इंटरनल फैक्टर। यानी मैकेनिकल या एक्सोजिनस या एक्सटर्नल, ये मान लीजिए जैसे सीड कोट है, सीड कोट एक फैक्टर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सीड है जिसमें सीड कोट इतना हार्ड होता है ना कि वो अपने आप में एक बैरियर का काम करता है और जब वो बैरियर का काम कर देता है तो क्या होता है सीड को जर्मिनेशन करने में कठिनाई। जैसे बहुत सारी से बेर है, पीच है, आगे इसका हम फोटो से दिखाएंगे किस तरह के सीड है, चाहे हम देवी दिखा सकते हैं, एक फोटो दिखाइए। देखिए तो हो गया बात डायमेंसी की थी, डायमेंसी प्राइमरी डायमेंसी, प्राइमरी डायमेंसी का पहला हिस्सा एक्सटर्नल या मैकेनिकल। तो ऐसे सीड कोट, कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनका सीड कोट, सीड का कोट इतना हार्ड है। देखिए क्या है, ये बेर का सीड है, ये देखिए पीच का सीड है। आप खुद देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सीड कोट कितना हार्ड है। ये अमरूद है, अमरूद का सीड कोट भी, अमरूद देखने में छोटा सीड है, उसका सीड कोट भी बहुत हार्ड है। अखरोट जिसका सीड कोट बहुत हार्ड है, तो ऐसे सीड कोट का, चूंकि हार्ड सीड कोट होना भी अपने आप में एक बैरियर का काम करता है। लेकिन दूसरा इंटरनल बैरियर, इंटरनल बैरियर, इंटरनल बैरियर क्या है? तो इंटरनल बैरियर का मतलब प्लांट के भीतर, प्लांट नहीं सीड के भीतर ऐसे कुछ केमिकल्स सिंथेसिस हो जाते हैं, सीड प्रोड्यूस कर देता है जो उन्हीं के जर्मिनेशन को रोक देते हैं, उसको बैरियर का काम करते हैं। जैसे इंटरनल बैरियर में क्या हो सकता है? एबीए, एबीए यानी एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड, कॉमरीन्स, फिनाल्स, तो ये ऐसे चीज, ऐसे केमिकल्स हैं, कॉमरीन, अच्छा सी ओ यू एम ए आर आई एन ई एस, कॉमरीन्स नोट किया, ठीक है। ये केमिकल्स अपने आप में एक बैरियर का काम करते हैं, तो ये हो गई कह सकते हैं इंटरनल या इंडिजिनस बैरियर। आप पहले वाले को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल या मैकेनिकल बैरियर। अब आते हैं कि इन बैरियर्स को, अगर आप सेब की खेती करते हैं, आप
पीछे आड़ू की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, एप्पल की नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, तो इन बैरियर से तो जूझना होगा आपको। तो इन बैरियर का उपाय क्या है? सेकेंडरी डायमेंशन हमने बताया था वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण है। अब बात करते हैं प्राइमरी डायमेंशन के मैकेनिकल फैक्टर की, कि प्राइमरी डायमेंशन में यदि मैकेनिकल बैरियर हो यानी सीड कोड फैक्टर हो, तो ये जो सीड कोड फैक्टर है क्या करता है? मैंने कहा कि सीड कोड फैक्टर इनका हार्ड सीड कोड हार्ड होता है, तो सीड कोड क्या होता है हार्ड होता है, अभी मैंने दिखाया। ये क्या प्रॉब्लम क्या करता है? पहला प्रॉब्लम वाटर एब्जॉर्प्शन को, जब आपको पता है कि जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर या वाटर का होना एसेंशियल कंडीशन आता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन को ये क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। दूसरा क्या? गैसियस एक्सचेंज है। आपको पता है कि एक जर्मिनेशन है अपने आप में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उसमें रिस्पिरेशन होता है, उसके लिए गैसियस एक्सचेंज का होना आवश्यक है। तो जब गैस मूवमेंट ही कोई हिंडर्स कर दे, रोक दे, तो फिर वो भी जर्मिनेशन पर रुक सकता है, या एम्ब्रियो को रेसिस्ट कर दे। एम्ब्रियो जमने के लिए तो तैयार है, लेकिन यूं समझिए आप घर से बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन दरवाजे बाहर से कोई कुंडी लगा दे, तो ये हार्ड सीड कोड उन बाहर निकलने वाले एम्ब्रियो की एक कुंडी की तरह काम कर जाती है और इसे कंडीशन में सीड जम नहीं पाता है। और आपके इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया ही, वॉलनट है, सपोटा है, पीच है, बेर है, ग्वावा है। अब इसको दूर कैसे करें, बात यह आती है। देखो तो मैकेनिकल बैरियर दूर करने का जो मेथड है, इस जब समस्या आपको पता चल गई कहाँ है इसकी समस्या, कहाँ है सीड कोट में, यानी जो कुछ करना होगा सीड कोट पर करना होगा, तो इसकी मेथड को जो मैकेनिकल बैरियर की मेथड है जो जिससे मैकेनिकल बैरियर को तोड़ा जाता है उसको कहते हैं स्कैरिफिकेशन। ये दो शब्द याद रखिएगा, एक मिलता जुलता और शब्द है इसके, इस स्कैरिफिकेशन क्या हुआ? ब्रेकिंग, स्क्रेचिंग, रबिंग ऑफ सीड ऑन सैंड पेपर या मैकेनिकल स्कैरिफायर आते हैं। देखिए एक तरह से मैकेनिकल स्कैरिफायर है, या सॉफ्टनिंग ऑफ सीड को किसी किस तरह से सॉफ्टनिंग कर दीजिए, या हार्ड सीड कोड को पंक्चर कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो इस तरह से हम मैकेनिकल बैरियर को खत्म कर सकते हैं। और दिट इज द प्रोसेस, क्या स्कैरिफिकेशन क्या है? स्कैरिफिकेशन इज द प्रोसेस टू सॉफ्टन द हार्ड सीड कोड, और उसके लिए स्कैरिफायर भी आते हैं। आप इसमें सीट डालिए और स्कैरिफायर में वो पावर से चलता है, उसी के भीतर सीट सर्टेन टाइम तक घुमाते हैं जिससे कि हार्ड सीट कोड एक तरह से कह सकते हैं ना थोड़ा घसीट जाता है, उसके बाहर की हार्डनेस कम हो जाती है, देन इजी टू जर्मिनेट हो जाता है। इसके साथ साथ एसिड ट्रीटमेंट का भी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट भी रिकमेंडेड है। ये पर्टिकुलर क्रॉप में एक सर्टेन इसका लो कंसंट्रेशन है, क्योंकि एसिड से ज्यादा कंसंट्रेशन में यूज करेंगे तो पूरे सीड को बर्न कर सकता है। एंड वाटर सोकिंग भी अलाउ इसमें है, कई ऐसे क्रॉप में वाटर सोकिंग भी करते हैं, उससे भी इस मैकेनिकल बैरियर को रेगुलेट करने में हेल्प मिलता है। जैसे खासतौर पर गुआवा में, लेगूम सीड में आप वाटर सोकिंग कर दें तो भी सीड जर्मिनेशन थोड़ी इनहांस हो सकती है। तो दोस्तों मैकेनिकल बैरियर का क्या फैक्टर है, वो किस तरह से जर्मिनेशन को रोकता है, मैकेनिकल बैरियर को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने के सिस्टम को या प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कैरिफिकेशन और एसिड ट्रीटमेंट और वाटर सोकिंग, इन बातों पर हमने चर्चा करी। अब बात आती है मैकेनिकल बैरियर से आगे, हम इंटरनल बैरियर। ये मैकेनिकल बैरियर हो गई, प्राइमरी डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी डायमेंशन तो इन्वायरमेंटल है। इंटरनल बैरियर क्यों हुआ? क्योंकि सीड ने अपने भीतर कुछ केमिकल का सिंथेसिस कर दिया,
एब्सिसिक एसिड बना दिया, फिनॉल बना दिया, कॉमरीन बना दिया, ऐसे केमिकल्स सीड जर्मिनेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये जो केमिकल है इनको कहते हैं इनहिबिटर ग्रुप ऑफ केमिकल्स। कभी एक वीडियो बनाएंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर, तो जरूर चर्चा आपसे करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को मोटा मोटी या यूं कह सकते हैं इन जनरल दो कैटेगरी का होता है, एक प्रमोटर एक इनहिबिटर। तो जो एब्सिसिक एसिड है ये इनहिबिटर कैटेगरी का, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एब्सिसिक एसिड प्रमोटर है या इनहिबिटर, बहुत टिपिकल इनहिबिटर एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा जब कोई भी फ्रूट कोई भी लीव्स ड्रॉप करता है, फ्रूट ड्रॉपिंग भी होती है ना, तो एब्सिसिक एसिड की उसमें भूमिका होती है। तो ये जो पर्टिकुलर एब्सिसिक एसिड है ये खासतौर पर एप्पल में, पीच में, चेरी में, उसके सीड में इसका सिंथेसिस होता है। अब यदि सीड के भीतर इस केमिकल का सिंथेसिस है तो इसको सीड के भीतर से ही इसको कम करना पड़ेगा। इस के इंटरनल बैरियर को दूर करने के लिए, मैकेनिकल बैरियर को दूर करने का तो इस कैरिफिकेशन कहा गया, तो इंटरनल बैरियर के दूर करने का जो मेथड हुआ उसको कहा गया स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। तो दोनों शब्द का अंतर देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में स्ट्रेटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हो जाता है और गलत आंसर पर हाथ लग जाता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, लो टेम्परेचर और मॉइस्ट कंडीशन। यानी स्ट्रेटिफिकेशन इज द मॉइस्ट लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर ए सर्टेन टाइम। तो मॉइस्ट नम कंडीशन हो, लो टेम्परेचर का मतलब स्ट्रेटिफिकेशन में 1 to 5 degrees Celsius, देखिए इतना लो टेम्परेचर है। और टाइमिंग क्या, 1 to 5 month, मतलब कह सकते हैं ना हाड़ को कपाने की वाली ठंड पर 5 महीना, 1 महीने से 5 महीना की ठंडक यदि देंगे तो सेब का बीज जगेगा वरना नहीं जगेगा, यानी नहीं जमेगा। तो ये मॉइस्ट हीट लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन, और पर्टिकुलरली अपर पीयर और पीच में चेरी में काफी कॉमनली यूज हुआ है। इस प्रोसेस से जब सीड एक लंबे समय तक लो मॉइस्ट लो टेम्परेचर कंडीशन से जब चलता है तो क्या होता है, जो ये इनहिबिटर है धीरे धीरे यह कम हो जाता है और इसके जगह प्रमोटर हार्मोन बढ़ जाता है। यानी इस प्रक्रिया से प्रमोटर हार्मोन बढ़ता है और इनहिबिटर हार्मोन कम होता है। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा साइंटिफिक रिकमेंडेशन है कि अगर ऐसे सीड को रनिंग वाटर में एक सर्टेन टाइम के लिए समय रख दिया जाए तो ये इनहिबिटर हार्मोन थोड़ा लीच कर जाते हैं, या ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन लाइक जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर दिया जाए तो जिब्रेलिक एसिड चूंकि प्रमोटर ग्रुप का है तो उसका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो सीड जर्मिनेशन आसानी से होने लगेगा। तो बात हो गई स्ट्रेटिफिकेशन की, हमने सीड डारमेंसी के प्रकार, सीड डारमेंसी कैसे दूर करें आपसे बात करी। अब आती है बात हम अपने सेकेंड टॉपिक पर, स्टोरेज। सामान्य तौर पर क्या होता है, हम स्टोरेज टेम्परेचर या स्टोरेज टेक्निक पर बात नहीं करेंगे, हम सीड को बात करेंगे स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से सीड को देखें तो कहते हैं पहला कैटेगरी ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स सीड। ऑर्थोडॉक्स सीड क्या हुआ, जो सीड लो मॉइस्चर एंड लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए उसको कहते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड। और ये लो मॉइस्चर लो टेम्परेचर क्या करता है बताइए, सामान्य तौर पर स्टोरेज की थ्योरी यही है। ये सीड नहीं, आप फ्रूट स्टोरेज को भी देखो, लो टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, लो टेम्परेचर थोड़ी हाई मॉइस्चर वहां सीड स्टोरेज में होता है। लेकिन यहां ऐसे सीड जो लो मॉइस्चर और लो टेम्परेचर पर स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं उसे ऑर्थोडॉक्स सीड कहते हैं, और ये स्लो डाउन ऑफ रिस्पायरेशन एंड लाइफ प्रोसेस को कर देता है। लेकिन एक सीड होता है रिकल्सी ट्रेंड सीड,
रिकल्सिट्रेंट या शॉर्ट लाइफ सीड, शॉर्ट लाइव्ड सीड। तो जो रिकल्सिट्रेंट या शॉर्ट लाइव्ड सीड होते हैं, ये सीड कभी भी लो मॉइस्चर को नहीं एडजस्ट कर पाते। अगर ऐसे सीड की मॉइस्चर कंटेंट आपने 30% या 50% से नीचे ला दी ना, तो सीड फेल हो जाएगा, जर्मिनेट यानी अपनी वायबिलिटी लूज कर सकता है। और ऐसे सीड को हम कितने पे स्टोर करते हैं, 8% 10% 8 to 10 to 12% जनरल करते हैं। लेकिन अगर मॉइस्चर प्रूफ पॉकेट में आपको थैलियों में पैक करना हो तो 9% पे करते हैं। और इसको हम कह रहे हैं कि 50% से कम मॉइस्चर पर अगर आपने लाया रिकल्सिट्रेंट सीड को, तो उसकी जर्मिनेशन चली जाएगी। तो ऐसे सीड को हम क्या करते हैं, इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन, जैसे फल से हमने निकाला तुरंत इसकी सोइंग कर देते हैं। ऐसे सीड कौन कौन से हैं, उदाहरण शॉर्ट लाइफ सीड कौन कौन से हैं, सिट्रस, बिल्कुल सही। दूसरा हमने पहले भी चर्चा किया जैक फ्रूट और भाई लीची, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से लीची है, एवोकाडो है, टी है, कॉफी है, इवन मैंगो। मैंगो का ऐसा नहीं है कि मैंगो का सीड आप सुखा कर रख लीजिए, कहिएगा कि 2 महीने बाद बोएंगे, बिल्कुल नहीं जमेगा। ताजी मैंगो का सीड आप जब मैंगो कंज्यूम कर लेते हैं और फेंक देते हैं, वही जर्मिनेट करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीड 2 तरीके से है, ऑर्थोडॉक्स सीड एंड रिकल्सिट्रेंट सीड। एक शब्द यूज होता है, दैट इज द क्रायो प्रिजर्वेशन। यह सीड स्टोरेज की स्पेशली टेक्निक नहीं है, लेकिन क्रायो प्रिजर्वेशन, लेकिन कई बार स्ट्रेटेजिकली बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन कोई ऐसी जेनेटिक मटेरियल है जिसको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव रखना है, बहुत लंबे ईयर बाय ईयर रिस्टोर करना है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन कई बार पूछ लिया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन कितने पर डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब हो गया कि स्टोरेज एट -196°C इन लिक्विड नाइट्रोजन। इसके लिए बस इतने जाने, लिक्विड नाइट्रोजन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, स्टोरेज एट -196°C इन लिक्विड नाइट्रोजन। स्टोरेज हमने पूरा किया, अब बात करते हैं जर्मिनेशन की। तो सीड को जर्मिनेशन को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, चलिए पहले तो ये जानिए कि सीड जर्मिनेशन के लिए क्या क्या आवश्यक है। सीड जर्मिनेशन के लिए आवश्यक है मॉइस्चर, बिल्कुल सही। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ऑक्सीजन। 3 कंडीशन चाहिए एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए। मॉइस्चर का क्या काम है, मॉइस्चर डिजॉल्व करता है जो सीड के भीतर बहुत सारे साल्ट है, हाइड्रोलाइज करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कॉटिलीडंस है, इंडोस्पर्म में है, या यूं कहें कि केमिकल रिएक्शन को जो सीड जर्मिनेशन के लिए आवश्यक है उसको फैसिलिटेट करता है। इसीलिए कहते हैं कि सीड को खेत में सोइंग कर रहे हो तो सुनिश्चित करो कि प्रॉपर नमी हो, क्योंकि ये स्टार्टर है। अगर ये स्टार्टर ही नहीं रहेगा तो और सारे कंडीशन आप देखकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। टेम्परेचर, हमेशा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर बहुत लो होगा तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा, स्लाइटली हायर टेम्परेचर पर सीड जर्मिनेशन फास्ट होता है। ऑक्सीजन, चूंकि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सीड जो एम्ब्रियो रिस्पायर करता है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए कहा जाता है सीड को बहुत गहराई में स्विंग मत करिए, क्योंकि यदि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा तो सीड गहराई में जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। इन जनरल सीड की जो थिकनेस है उससे 2.5 times ज्यादा गहराई में बोते हैं। अगर 1 centimeter मोटा सीड है तो 2.5 centimeter तक गहराई में बोया जा सकता है। ये तो है सीड के लिए जर्मिनेशन के लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरा करी तो सीड जर्मिनेट होगा। तो जर्मिनेशन क्या होगा, तो कह सकते हैं डॉर्मेंट एम्ब्रियो का वेकअप होना एंड ग्रो कर जाना, एम्ब्रियो को अपने इन कंडीशन को पाना
और बाहर निकलना एक जर्मिनेशन है। जब सीड को आप देखें जर्मिनेट होते, तो सीड जब भी जर्मिनेट होता है, अगर हम सीड को कोई, तो ये सबसे पहले रेडिकल निकलता है और रेडिकल क्या बनाता है, रूट्स बनाता है और यहीं से बाद में प्लूमूल निकलता है। प्लूमूल क्या बनाता है, सूट बनाता है। यानी सूट जब भी जर्मिनेट होती है तो दो सीड से दो पार्ट निकलते हैं, रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट, और उसके बाद प्लूमूल, प्लूमूल जो निकलता है वो सूट बनाता है। जर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सीड को कैटेगराइज करें तो दो तरीके के सीड होते हैं। एक होता है ईपीजीएल जर्मिनेशन। ईपीजीएल, ईपी मतलब ईपीजीएल जर्मिनेशन। अगर जर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे सीड को कैटेगराइज किया जाए तो एक हो गया ईपीजीएल और दूसरा हो गया हाइपोजियल। ईपी मतलब ईपीजीएल, दो शब्द ईपी, ईपी मतलब एवम। ईपीजीएल का अर्थ जो है एवम होता है। इसमें जो ईपीजीएल जर्मिनेशन कैटेगरी के सीड है उसमें जो कॉटिलीडन है वो एवम द सॉइल चले जाते हैं। जैसे देखिए ये सीड जर्मिनेट हुआ और ये इसका कॉटिलीडन कहां चला गया, जमीन से ऊपर चला गया। तो इस तरह के जर्मिनेशन को कहते हैं ईपीजीएल जर्मिनेशन, जिसमें कॉटिलीडन कहां जाता है, जमीन से ऊपर। और इसका जो टिपिकल एग्जांपल है आल कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स, टेमरिंड, इस तरह के जर्मिनेशन पाया जाता है। हाइपोजीएल मतलब हाइपो, मतलब हाइपो का अर्थ होता है बेलो। तो जो हाइपोजीएल जर्मिनेशन है इसमें कॉटिलीडन या इंडोस्पर्म जमीन के नीचे रह, देखिए इसमें जमीन के नीचे रह गया और ये प्लूमूल अपना चार ऊपर चला गया, रेडिकल नीचे चला गया और कॉटिलीडन्स या इंडोस्पर्म जमीन के नीचे रह गया। इस तरह के जो जर्मिनेशन पाई जाती है ग्राम में, पी में, मैंगो में, जैकफ्रूट में या मोनोकार्ड्स, मोस्ट ऑफ द मोनोकार्ड्स ओनियन को छोड़कर, तो इस तरह के जर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमने बात कर ली। जर्मिनेशन में हार्मोन्स की भूमिका रहती है। शॉर्ट में कहें हमने बात की थी एब्सेसिक एसिड, ये प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन को। क्यों, क्योंकि ये आरएनए के जो सिंथेसिस है उसको क्या करता है, वो उसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है आरएनए सिंथेसिस को। जिबरेलिक एसिड क्या करता है, ये किसको, प्रमोटर हार्मोन कहते हैं। तो यह जर्मिनेशन को फैसिलिटेट करता, बढ़ाता है। तो इसका भूमिका आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड रिजर्व्स टू एक्टिव साइट। इसलिए जर्मिनेशन का यूज से जर्मिनेशन बढ़ता है। साइटोकाइनिन, ये भी प्रमोटर ग्रुप का हार्मोन है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का काम है डीएनए और आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इससे भी जर्मिनेशन को प्रमोट किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं प्रमोटर ग्रुप ऑफ हार्मोन जीए और साइटोकाइनिन है, और एब्सेसिक एसिड इनहिबिटर ग्रुप का है जिसका उपयोग सीड जर्मिनेशन में भी पर्पज वाइज अलग अलग होता है। दोस्तों ये रही डॉर्मेंसी, जर्मिनेशन, स्टोरेज एंड हार्मोन, इन सबको मिलाकर मैंने एक छोटा सा कैप्सूल आपके सामने लाई। आशा है आपको पसंद आया लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।